तेलंगाना स्टेट वर्क बोर्ड मेंबर, आज तेलंगाना हाईकोर्ट के अंदर सेक्रेटरेट के दो मसाजिद के बारे में हमें इत्तला मिली थी, जो नया सेक्रेटरेट बनने के लिए जो डिसमेंटल कराया जा रहा है उसके बारे में तेलंगाना हाईकोर्ट में केस चल रहा था। तो तेलंगाना हाईकोर्ट ने परमिशन दे दी, अगर तेलंगाना रियासत पुराने सेक्रेटरेट के जगह नया सेक्रेटरेट बनना है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, गवर्नमेंट बन सकती। ये जजमेंट तेलंगाना हाईकोर्ट का आया, उसके बाद तेलंगाना गवर्नमेंट सेक्रेटरेट बनने के लिए और डिसमेंटल का काम शुरू करे। हमें एक रिलेबल सोर्सेस से तेलंगाना सेक्रेटरेट के कंपाउंड के अंदर दो मसाजिद है, एक हाशमी मस्जिद, दूसरी जामा मस्जिद, अटैच्ड प्रॉपर्टी एट मेजरिंग 647.7 स्क्वायर एड्स। मस्जिद हाशमी भी उसके साथ ही है, दो मसाजिद है। ये खदीम मस्जिद है, नोटिफाइड गजिट वक्फ प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर दो मसाजिद बनाया गया। हमें मालूम हुआ उसको भी डिसमेंटल करके शहीद कर दे के वहां सेक्रेटरेट बनाया जा रहा है, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिला और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से मुलाकात करके मैं ये बात सामने रखा, ये सेक्रेटरेट की मस्जिद शहीद करने का गवर्नमेंट डिसमेंटल करके वहां सेक्रेटरेट बना रही है, इसके खिलाफ मैं तेलंगाना हाईकोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन डालना चाह रहा हूं, जो कि मस्जिदों को ना तोड़ा जाए ना उसको टच किया जाए। वो हमारी सेंटिमेंट, हमारी इबादतगाह है, हमारा ईमान है। इसलिए एक बार काउंसिल मेंबर की हैसियत से, एक वर्क बोर्ड मेंबर की हैसियत से मैं हाईकोर्ट को जाना चाह रहा हूं बोल के मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिला, तो उन्होंने मुझे एंकरेज करे। उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम है, आप हाईकोर्ट जाइए, आप रिट पिटीशन डालिए, गवर्नमेंट से मुतालबा कीजिए, वक्फ बोर्ड से कानून का दरवाजा खटखटाइए, मस्जिदों को टच नहीं करके, शहीद नहीं करके, डिसमेंटल नहीं करके सेक्रेटरेट बनाया जाए। हमारे रिट पिटीशन में भी हम ये बात वाजे से कहा है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं नया सेक्रेटरेट बनने से। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर जनाब कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब, आप खुशी से बना सकते, नया सेक्रेटरेट बनाइए, नया काम कीजिए, लेकिन हमारे इबादतगाह जो मस्जिदों को आप टच मत कीजिए। हमारे सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, हमारा मजहबी ईमान जुड़ा हुआ है मस्जिदों से, लिहाजा ये मस्जिदों को डिसमेंटल ना किया जाए। इसलिए हम रिट पिटीशन नंबर 10335 ऑफ 2020 मेरे नाम से जाकिर हुसैन जावेद एडवोकेट पिटिशनर और रेस्पॉन्डेंट द स्टेट ऑफ तेलंगाना रिप्रेजेंटेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी और द प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्टेट ऑफ तेलंगाना रोड्स एंड बिल्डिंग्स एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट और प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, द इंजीनियरिंग इन चीफ रोड्स एंड बिल्डिंग्स, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, द कमिश्नर ऑफ पुलिस, द कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, द तेलंगाना स्टेट वर्क बोर्ड को पार्टी बनाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसके रसूल के सबसे में जनाब यासर मेमन साहब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, रिट पिटीशन डाला गया और उसका नंबर हुआ। उसके बाद आज हॉनरेबल जस्टिस अभिषेक रेड्डी साहब के पास आइटम नंबर 58 आज उसकी सुनवाई हुई। एक केस के अंदर हम फार्मर एडवोकेट जनरल सीनियर काउंसिल पी वेणुगोपाल साहब को एंगेज किया,
और हमारे तरफ से मस्जिदों को शहीद ना करकर मस्जिदों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने मुताबला किया तेलंगाना हाईकोर्ट में। तेलंगाना हाईकोर्ट के खिलाफ में ये रिट पिटीशन डाला गया और वक्फ एक्ट 1995 के तहत सेक्शन 32 के तहत विदाउट एनी नोटिस वक्फ गजेट प्रॉपर्टी या कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी को डिसमेंटल या डैमेज नहीं किया जा सकता जब तक नोटिस नहीं देते वक्फ बोर्ड को। इट इज अ स्टैट्यूटरी लॉ। अगर सेक्शन 91 में एक्विजिशन भी करना है कोई वक्फ प्रॉपर्टी को प्रीआर नोटिस देकर प्रोसेस ऑफ लॉ पूरा कंप्लीट करके ही उसको करना पड़ता, लेकिन इसके अंदर तेलंगाना वक्फ बोर्ड को या किसी और को कोई नोटिस नहीं दिया गया। वक्फ प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करना ये गवर्नमेंट की प्राइमरी ड्यूटी है। वक्फ ऑलवेज वक्फ सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स है आप सबको भी मालूम, लिहाजा हमने कोर्ट से मुतालबा करा। कोर्ट में जो मस्जिद जहां आप कह रहे हैं आज बहस हुई, वेणुगोपाल साहब अपियर हुए, गवर्नमेंट के तरफ से स्पेशल जीपी और दीगर जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर जिसको पार्टी बनाया वो स्टैंडिंग काउंसिल्स अपियर हुए। जीपी ने कहा, स्पेशल जीपी, हम वहां जहां डिसमेंटल हुआ जो मस्जिद तोड़ा गया वो एक गलती से वो सेक्रेटरिएट को डिसमेंटल करने के डिब्रिस से उसको नुकसान पहुंचा, हम जरूर मस्जिद बनाएंगे। ये हमारा चीफ मिनिस्टर साहब का भी डिक्लेरेशन है, गवर्नमेंट के तरफ से भी डिक्लेरेशन है, लेकिन सीनियर एडवोकेट वेणुगोपाल साहब ने बहुत सख्ती से आर्गुमेंट करे, बहस किया। उन्होंने कहा अगर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग देती है, लिख के देती है और एक जॉइंट मेमो इश्यू करती है, हमने जिस जगह पर मस्जिद हाशमी मस्जिद और जामा मस्जिद है जो गजेट नोटिफाइड प्रॉपर्टी है, अटैच प्रॉपर्टी, उसके अंदर वहीं पर मस्जिद बनाया जाए, इसलिए वो आर्गुमेंट ये अभिषेक रेड्डी साहब के सामने, जनाब हनरेबल जस्टिस के सामने आर्गुमेंट हुआ, गवर्नमेंट ने मान ली और उन्होंने डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग फाइल करने का वादा किया और जॉइंट मेमो भी फाइल करने का वादा किया। तो हनरेबल जस्टिस अभिषेक रेड्डी साहब रिट पिटीशन को डिस्पोज ऑफ करते हुए विद डायरेक्शन को तेलंगाना गवर्नमेंट को डायरेक्शन ये दिया, एफिडेविट फाइल करे, अंडरटेकिंग फाइल करे और वहीं मसाजिद बनाए जाए। लिहाजा आज ये बहुत बड़ी विक्ट्री है आज मुसलमानों की, तेलंगाना रियासत के हर वो सिटीजन की, बिलखुसूसी एडवोकेटों की। आज मेरा साथ मेरे एडवोकेट भाइयों ने बहनों ने आज सब मिलके पूरे लोग एक इतिहास से काम कर रहे हैं। कई जनरल इश्यूज में जो कि लीगल इश्यूज जो भी रहते, सोशल इश्यूज होंगे, मेडिकल इश्यूज पे भी, कई इश्यूज पे एडवोकेट के इश्यूज में और मुस्लिम कम्युनिटी के फला बहबूदी के कामों में भी एडवोकेट भाइयों का बहुत बड़ा साथ है और आज ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जीत है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस, उन्होंने मुझे इंकरेज किया, उन्होंने बताया, गाइड किया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बारे में, जो खाली बाबरी मस्जिद के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में बहस और मुबाहसा हुआ उसके अंदर कई जजमेंट्स, कई गाइडलाइंस आए, उसके वास्ते बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी कई बार डिस्कशन करके ये इसके अंदर जो आज तेलंगाना रियासत में पूरे हिंदुस्तान में भी फिजिकल कोर्ट्स नहीं है, पूरे वर्चुअल कोर्ट्स में काम चल रहा, इसलिए जिस दिन से तेलंगाना सेक्रेटरिएट का डिसमेंटलिंग काम शुरू हुआ, जब भी हमें मालूम हुआ, इत्तला मिली, ये दो मसाजिद को भी शहीद किया जा रहा, तो हमने जल्द से जल्द यासर मोहम्मद साहब के साथ रिट पिटीशन के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, हम रिट पिटीशन टाइम पे फाइल करें, लेकिन वर्चुअल कोर्ट्स चलने से थोड़ा देर हुआ, परसों नंबर हुआ, कल अलर्ट हुआ, आज बहस हुई, हमारी आपकी पूरे सारे मुसलमानों की तेलंगाना के रियासत की जीत हुई। ये बात बड़ी खुशी से पूरे सारे लोगों को इत्तला देने के लिए, आप सबको ये बात बोलने के लिए, आप सब लोगों का कीमती वक्त लेकर या प्रेस कॉन्फ्रेंस रखाए गए, ये बात आप सब लोगों तक पहुंचाइए। इंशाल्लाह अल्लाह उसके रसूल के सत्संग में
आने वाले दिनों में जहां मस्जिद शहीद हुई वहीं इंशाल्लाह एक बेहतरीन दो मस्जिद बनेंगे। ये गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग है। आज ये रिट पिटीशन विद डायरेक्शंस डिस्पोज ऑफ किया गया। दो तीन दिन में इसके कॉपी मिलेंगी इंशाल्लाह। उस दिन भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के वो जजमेंट की कॉपी भी आप सब तक पहुंचाया जाएगा। अब ये रिट पिटीशन में जो अवर्नमेंट्स है, जो स्टैंड हमने लिया मस्जिद के वास्ते, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ में जो रिट पिटीशन में लिया गया, उसके कॉपीज भी दीगर या जो भी पेपर के करस्पॉन्डेंट जर्नलिस्ट वगैरह जो भी है, आप सब भाइयों को ये कॉपीज भी दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग, आपका कीमती वक्त निकाल के लाए। प्रेस और मीडिया का मैं आभारी रहूंगा। आप सब लोग भी जो आज जो हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो पैंडेमिक है, जो कोविड-19 कोविड के तकलीफात है, उसके अंदर आप लोग अपनी जान की बाजी लगाकर भी डॉक्टर्स और पुलिस के साथ भी आप भी जर्नलिस्ट भाइयों ने मिलके आज इसके अंदर सोसाइटी में अवेयरनेस लाके जो काम कर रहे, काबिले तारीफ है। आप सब लोगों का भी शुक्रिया। और जितने भी सुनने वाले मेरे भाई हैं, आप सब लोगों से भी एक गुजारिश है, एहतियात कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, आप अपने आप को बहुत सेफ रखिए, घर पे रहिए इंशाल्लाह। तो सेक्रेटरी की मस्जिद के ताल्लुक से आप जो है बड़ा जबरदस्त काम करेंगे, हाईकोर्ट में जाके क्वेश्चन वाले के ऑर्डर लेके आए। अंबरपेट की मस्जिद का क्या है? इंशाल्लाह अंबरपेट की मस्जिद के मामले में, खैर मैं ये सब्जेक्ट से माफी चाहता हूँ, डिवेट नहीं होना चाह रहा हूँ। ये एज फार एज कंसर्न जो सब्जेक्ट के ताल्लुक से मैं आप लोगों को तकलीफ दिया, बुलाया, आपसे रूबरू होके बात करना चाहा, ये बात आप सब लोगों तक पहुंचाना चाहा, ये जो सेक्रेटरीट के अंदर जो मस्जिद शहीद हुई उसके ताल्लुक से बातचीत है। इंशाल्लाह आगे आप लोगों से फिर बात करूंगा और उस ताल्लुक से मालूम करूंगा। तो जो भी आज नारायणपेट में भी अपने आशूर खाने का भी रोड बेंडिंग के अंदर नेशनल हाईवे वाले और दीगर मस्जिदें मेदक डिस्ट्रिक्ट और दूसरी जगह छिल्ले और मसाजिद और अपने आशूर खाने भी रोड बेंडिंग में नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले भी डिसमेंटल कर रहे, कई जगह क्वेयर कर रहे, इंशाल्लाह उसके बारे में भी कानूनी कार्रवाई होंगी। आप लोगों की और सब लोगों की, सोशल एक्टिविस्ट की, एडवोकेट्स की, दानिशमंदों की, सियासी जमातों की, सबके जानिब से, सबके कोऑपरेशन से इंशाल्लाह आगे कुछ भी करने का एक अच्छा फैसला करके काम करेंगे। आप सब लोग भी, आप लोगों से अदबन गुजारिश है, सब्जेक्ट टू डिबेट मत करते हुए इसके बारे में जो बोल रहा हूँ उसके बारे में सब तक पहुंचाएंगे। तो मैं आप सबका आभार हूँ।